दीक्षित जी ने पूछा, महाराज हमें विदुर जी का पावन चरित्र सुनाओ। तो सुखदेव जी कथा सुनाते, किसकी? विदुर जी की। राजन, जब धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए तो परीक्षित जी ने मुस्कुराकर कहा, सरकार वो तो बचपन से ही अंधे थे, फिर दोबारा कैसे अंधे हो गए? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनो, दो आंखें होती हैं, एक बाहर की एक भीतर की। कई लोग कहते ना इनकी भीतर की आंखें बड़ी तेज है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, दो आंखें ये है ना, ये बाहर की, भीतर भी दो आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य की। तो सुखदेव जी कहते, राजन जब परीक्षित जी बिल्कुल अंधे हो गए पुत्र मोह में, पर सत्य और असत्य कुछ भी पहले एक तो दिखाई नहीं पड़ता था, अब पुत्र के मोह में सत्य भी सुनाई नहीं पड़ रहा, सिर्फ पुत्र की बातें सुनाई पड़ रही। तो जब बिल्कुल अंधे हो गए तब परम भागवत परम भक्त महाराज श्री विदुर जी ने धृतराष्ट्र का पक्ष छोड़ दिया। क्यों? राम कथा में विभीषण जी जब तक रावण के साथ रहे तब तक रावण जीवित रहा, क्योंकि धर्म है। भागवत में विदुर जी धर्म का अवतार है, धर्म का रूप है, और राम कथा में विभीषण जी धर्म का रूप है। जब तक विभीषण जी रावण के साथ रहे रावण का बाल बांका नहीं हुआ, और जब तक विदुर जी कौरवों के साथ रहे कौरवों का बाल बांका नहीं हुआ। पर आप रामायण पढ़ेंगे तो आती है चौपाई, अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भये सब तब ही। जब विभीषण जी चले तो सब आयुहीन हो गए। ध्यान दीजिए, यहां घर में एक परम भक्त होना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। घर में अगर आपके परिवार में एक भगवत भक्त रहेगा ना, तो वो सबको बचाए रहेगा अनहोनी से। कई लोग हमने इतने विचित्र देखे हैं कि खुद तो भक्ति करते नहीं, घर वाले बेटा बेटी या पत्नी या पति करना चाहे तो घर वाले ताना दे। मैं निवेदन करूं, आप ना कर पाओ चल जाएगा, मेरा हमारा सूत्र है, काम आएगा तुम्हारे, कभी हो सके तो लिख लेना, मेरे भगवान हमारा सूत्र है, तुम भक्त ना भी बन पाओ चल जाएगा, किसी भगवत भक्त के चरण पकड़ लेना, जय जयकार हो जाएगी। आप स्वयं भक्त नहीं बन सकते ना, टाइम नहीं है, वासना बहुत है, कामांधता बहुत है, द्वेष बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, झूठ बहुत है, असत्य बहुत है, असौच है, अपवित्रता है, अमर्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहो। आप अपने आसपास या कोई ऐसा बुद्ध पुरुष, ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई सिद्ध पुरुष, ऐसा कोई भगवत भक्त, ऐसा कोई योगी वियोगी जिसने भगवान को पाने की चेष्टा कर रखी हो, जिसने भगवान को पाने का संकल्प दृढ़ता ले रखी हो, जिसने ईश्वर को पाने के लिए बहुत प्रयत्न कर लिए हो, ऐसे भगवत भक्त के चरण पकड़ लेना, कभी ईश्वर की उस पर कृपा होगी तो तुम पर भी हो जाएगी। विदुर जी धर्म है। जब विदुर जी ने देखा कि असत्य का साथ देने लगे, विदुर जी का माथा घूम गया, धनुष बाण लिया, कौरवों की देहरी पर रखा, छोड़कर चले गए। अनेक काल तक विदुर जी तीर्थाटन करते रहे, तीर्थों में घूमते रहे, घूमते घूमते साधु वेश बनाकर आनंद में जिए। विदुर जी ने बहुत समझाया, बुरा मत मानना, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नास। सचिव या नहीं, आपका सिगट्री, वैद्य यानी डॉक्टर,
और गुरु, ये तीन लोगों में जब तुम्हारा भय प्रवेश कर जाए और तुम्हारे प्रभाव के कारण, तुम्हारे गलत स्वभाव के कारण, जब ये तुम्हारी जैसी ही मीठी मीठी बातों में हां बोलने लगे, समझना उसी दिन से तुम्हारे पतन का, तुम्हारे बिगड़ने का रास्ता खुल गया है। डॉक्टर की दवाई जो डॉक्टर कह रहा पाओ, गुरु जो उपदेश दे रहा बुरा मत मानना। हम लोग इतने बुद्धिहीन लोग हैं, गुरु को तो बहुत मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। रामायण को तो मानते हैं, रामायण जी की नहीं मानते हैं। राम जी को तो बहुत मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। इसीलिए घाटा खाते हैं। मेरे साधुओं, मेरे पागलों, सचिव वेद गुरु तीन जो, सचिव वेद और गुरु, ये कभी आपको कुछ बोले ना याद रखना, उस बात का बुरा मत मानना, स्वीकार करना प्रेम पूर्वक। बहुत विदुर जी ने समझाया लेकिन नहीं माने, विदुर जी चले गए।